उत्तर प्रदेश में चल रही सिपाही भर्ती की परीक्षा को लेकर ताज नगरी आगरा में भी पुलिस की भर्ती में होने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन भी पुलिस भर्ती परीक्षा दी। सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा देने के बाद घर लौटने के लिए जा रहे वाहन उन्हें नहीं मिल पा रहे और भीषण गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं आगरा वासियों का कहना है कि सिपाही भर्ती ने आगरा वासियों का बुरा हाल कर दिया है। लोग अपने घर से काम के लिए निकलते हैं तो कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नमन सिंह तोमर। नमन सिंह जी, देखा जा रहा है कि दो दिन से आगरा में जाम की समस्या बहुत ही ज्यादा हो रही है सिपाही का पेपर को लेकर। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानी है कि सुबह से घर से निकले हुए हैं, एक तो जाने में दिक्कत, आने में भगवान टॉकी से और रामबाग तक आने में कम से 1.5 घंटे का समय लग चुका है। काफी परेशानियां हो रही है इसमें, और ऊपर से देखा जा रहा है गर्मी भीषण पड़ रही है। गर्मी से तो हालत बहुत बुरा हाल हो रखा है। ऐसे में जाम जगह जगह पर जामों में परेशानियां हो रही है। जामों में परेशानी काफी सारी हो रही है, दिक्कतें आ रही है, ना कोई वर्किंग हो पा रही है। सुबह से घर से निकलो फिर धूप में तपो और ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा हो रहा है। 1.5 घंटे तक कहीं भी ना आवागमन नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी, तो माना जाए काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नेमी चंद। नेमी चंद, कहाँ से आए हैं पेपर देने के लिए? मैं आया हूँ औरैया से। औरैया से। क्या कुछ अव्यवस्थाओं देखने मिली आगरा में? नहीं। पेपर टाइम से दिया आपने? हाँ, पेपर टाइम से दिया। कोई गाड़ी वाड़ी मिलने में कोई असुविधा हुई हो आपसे? और क्या, गाड़ी नहीं मिल रही है, यहाँ से जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। ऑटो वाले 20 की जगह 30 मांग रहे हैं, 50 मांग रहे हैं। किसकी परीक्षा देने आए थे आप? पुलिस की। कितने किलोमीटर है आपको यहाँ से? हमारा तो यहाँ औरैया तो बहुत किलोमीटर, मतलब 200-300 किलोमीटर पड़ता होगा लमसम। देखा जा रहा है गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, इनमें गाड़ी का ना मिलना जो है, कितनी परेशानियाँ हो रही है? अब वो परेशानी हो रही, क्या आदमी जाएगा तो है, जाना तो है ही किसी को, वहाँ पे घर जाएगा अपना, इसलिए तो टेम्पू वाले तो हैं जैसे बिजली करके 10 रुपये 5 रुपये लगते हैं, वो 30 रुपये मांग रहे हैं, इसलिए कि परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। शहर में कल 74 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, आज पुनः शहर के 74 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली संपादित हो चुकी है, 12 बजे का टाइम था, दूसरी पाली फिर से 2 बजे से प्रारंभ होगी। परीक्षा को लेकर पहले से भी मीटिंगें वगैरह की जा चुकी हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अति सभी स्थानों पर लगाया गया है। इसके अलावा अब की बार हाईटेक व्यवस्था की गई है, सभी के थंब के फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कोई भी, ये सभी को बता दिया गया है किसी भी दशा में अभ्यर्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति ना बैठे, तत्काल उस पर FIR हो, तो इस तरह कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। और लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारी सारे केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आज शाम की भी परीक्षा ही शांतिपूर्वक और सकुशल आगरा जनपद में संपन्न होगी। और अत्यधिक संख्या में छात्रों के पेपर देने के कारण शहर में जो भार बढ़ा है, जो बाहर से बच्चे आए हैं परीक्षा देने, उसको लेकर जो हमारे बस स्टैंड हैं, हमारे रेलवे स्टेशन, इनके DRM साहब को, रोडवेज के ARM साहब को, इसके अलावा पुलिस की तरफ। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।